हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषि केश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं आईपीएल 2021 के मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच में आबू धाबी के शेख जईद स्टेडियम के अंदर 25 सितंबर को दोपहर के 3:30 बजे से। और इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। और अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन करना मत भूलिएगा। वहां पर आपको आईपीएल के सभी मुकाबलों की फैंटेसी टीम के अलावा, अभी जो इंडियन वुमेन और ऑस्ट्रेलियन वुमेन की फैंटेसी टीम चल रही है उसके अलावा पाकिस्तान नेशनल T20 कप के मुकाबलों की भी फैंटेसी टीम मिलने वाली है। आपको बस सर्च करना है द स्पोर्ट्स कॉप और जल्दी से मेरे को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना है। और आप फैंटेसी क्रिकेट खेल सकते हो फैन टू प्ले के ऊपर, जहां पे आपको सभी मुकाबलों के अंदर फ्री एंट्री मिलने वाली है। साथ ही में आप इनका आईपीएल लीडर बोर्ड ज्वाइन करके आईफोन 12, वन प्लस नॉर्ड और सैमसंग के फोन प्राइस में जीत पाओगे। साथ ही में आपको सेकंड इनिंग्स फैंटेसी का फीचर मिलता है फैन टू प्ले पे, और भी काफी सारे फीचर आपको मिलने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मेरा रेफर कोड स्पोर्ट्स कॉप यूज करने पे बोनस कैश मिलेगा। तो डाउनलोड करो फैन टू प्ले को और विनिंग करनी स्टार्ट कर दो। अगर मैं आपसे बात करता हूं पिच रिपोर्ट के बारे में, तो अभी तक जो दोनों मुकाबले खेले गए इस मैदान के ऊपर, वहां पे स्टार्टिंग में ये पिच बैटिंग के लिए काफी मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे हमें बैटिंग करना आसान होता है। इस वजह से दोनों टीमें यहां पे टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करना चाहेंगी। सबसे पहले मैं बात करता हूं दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बारे में, जो कि अपने 9 में से 7 मुकाबले जीत चुकी है, और इस टीम में कोई कमी निकालना काफी मुश्किल काम होने वाला है। शिखर धवन जिस फॉर्म में चल रहे हैं उनको रोकना काफी ज्यादा मुश्किल है। इतने प्यारे चौके मारे शिखर धवन, उनकी बैटिंग देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। श्रेयस अय्यर ने चोट के बाद वापसी करी पिछले मुकाबले में, स्टार्टिंग में स्ट्रगल किया लेकिन धीरे धीरे फॉर्म में आ गए और उन्होंने मैच को छक्का मार के खत्म किया। अय्यर एक बहुत ही स्टेबल प्लेयर होने वाले इस टीम के लिए। ऋषभ पंत जब से कप्तान बने इस टीम के, उनका कंपोजर अलग लेवल पे पहुंच चुका है। बिना देखे शॉट नहीं मारते, एकदम स्टेबल होके बल्लेबाजी करते हैं। वो भी नॉट आउट रहे पिछले मुकाबले में। पृथ्वी शॉ भले पिछले मुकाबले के अंदर फ्लॉप हो गए हो, लेकिन वो स्टार्टिंग से अग्रेसिव बल्लेबाजी करते हैं और इस आईपीएल में वो काफी शानदार खेले हैं। तो ये टॉप 4 जो इस टीम के इंडियन बल्लेबाज हैं वो बहुत ही कमाल के फॉर्म में लग रहे हैं, और ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है दिल्ली कैपिटल्स की टीम की। अगर मैं आपसे बात करता हूं गेंदबाजी के बारे में, तो इनके दोनों साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज यूएई की पिचों को देखते फॉर्म में आ गए। आंड्रिक नोके ने पिछले साल कुल 22 विकेट निकाले थे, पिछले मुकाबले में उनको मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला। 150 से ऊपर की गेंदबाजी कर रहे हैं। कगिसो रबाडा ने पिछले साल 30 विकेट निकाले थे और पर्पल कैप जीती थी, उनको भी 3 विकेट मिले पिछले मुकाबले में। उनकी डेथ बॉलिंग काफी शानदार रही और अक्षर पटेल की स्पिन बॉलिंग भी बहुत ही शानदार रही है इस टीम के लिए। वो काफी अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर हैं। उसके अलावा आवेश खान इस टीम के अंदर है, हेटमायर इस टीम में, अश्विन इस टीम में है। तो दिल्ली कैपिटल्स के पास एक बहुत ही शानदार टीम है और इस टीम के पास सारे बेसिस कवर होने वाले हैं। हालांकि मार्कस टोनिस इंजर्ड हो गए पिछले मुकाबले में, तो वो ये मुकाबला नहीं खेलेंगे। स्टीव स्मिथ को मौका मिलता है इस मुकाबले के अंदर, हालांकि थोड़ी नीचे बल्लेबाजी करनी पड़ेगी उनको। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं दिल्ली कैपिटल्स 11 के बारे में, तो उनके लिए ओपन कर सकते हैं शिखर धवन और पृथ्वी शॉ, नंबर 3 पे श्रेयस अय्यर, नंबर 4 पे ऋषभ पंत, नंबर 5 पे स्टीव स्मिथ, नंबर 6 पे शरण हेटमायर, फिर अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, आंड्रिक नोकिया, कगिसो रबाडा और आवेश खान। तो जरूर से दिल्ली की टीम इस मुकाबले को जीतना चाहेगा और टॉप ऑफ टेबल जाना चाहेगा। अब मैं आपसे बात करता हूं राजस्थान रॉयल्स के बारे में, जिनको पिछले मुकाबले के अंदर 2 रन से जीत मिली। हालांकि टीम कोई बड़ी जीत हासिल नहीं कर पाया पिछले मुकाबले में, लेकिन ऐसे जो क्लोज मुकाबले होते हैं उनको जीत के टीम बॉन्डिंग काफी शानदार हो जाती है, और उम्मीद करते हैं राजस्थान के साथ ऐसा ही होगा इस मुकाबले के अंदर। इस टीम की बल्लेबाजी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया पिछले मुकाबले में। इवन लुइस सीपीएल के हाईएस्ट रन स्कोरर थे, उनकी बैटिंग काफी शानदार रही पिछले मुकाबले के अंदर।
बस वो बड़ी पारी खेलना चाहेंगे इस मुकाबले में। लियम लिविंगस्टन इस साल T20 क्रिकेट के अंदर दुनिया के सबसे अच्छे प्लेयर उभरते हुए आए हैं, नंबर 4 पे बल्लेबाजी करेंगे। अगर वो फॉर्म में रहते हैं तो किसी भी गेंदबाज को रोकना काफी मुश्किल होगा उनको। साथ ही यशस्वी जायसवाल ने भी काफी अच्छी ओपनिंग करी, युवा बल्लेबाज थोड़ा सा मैच्योर होंगे धीरे धीरे, पर जायसवाल की बल्लेबाजी भी काफी शानदार थी पिछले मुकाबले में। लेकिन सबसे ज्यादा इंप्रेस किया महिपाल लोमरोर ने। महिपाल लोमरोर डोमेस्टिक के अंदर भी काफी शानदार खेलते हैं, राजस्थान की रणजी में कप्तानी भी कर चुके हैं। वापस से मन को बड़े चाव से देखने वाला हूं उस मुकाबले के अंदर। कप्तान संजू सैमसन ने ओवरऑल काफी शानदार खेला है, पर उनकी कंसिस्टेंसी काफी दिक्कत की बात है। कप्तान है इस टीम के नंबर 3 के ऊपर, वो अच्छी बल्लेबाजी करना चाहेंगे। तो बैटिंग में कुछ काफी बड़े नाम है राजस्थान के पास में जो कि काफी अग्रेसिव क्रिकेट खेल सकते हैं, लेकिन दिक्कत आती है इस टीम की गेंदबाजी के अंदर जो कि पिछले मैच के अंदर भी क्लियर साबित हो गई। क्रिस मॉरिस इस टीम के लिए 14 विकेट निकाल चुके हैं, भले वो पिछले मुकाबले फ्लॉप, लेकिन उम्मीद करता हूं इस मुकाबले के अंदर मॉरिस वापसी करेंगे। कार्तिक त्यागी ने एक बहुत ही शानदार ओवर डाला पिछले मुकाबले में, जिसकी वजह से उनको मैन ऑफ द मैच मिला। वो उस कॉन्फिडेंस को इस मुकाबले के अंदर लाना चाहेंगे। और मुस्तफिजुर रहमान के रूप में एक और काफी अच्छा लेफ्ट आर्म सीमर है, तो राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी बहुत ही शानदार है। हालांकि गेंदबाजी को इंप्रूव करने की जरूरत है, मुझे लगता नहीं टीम कोई बदलाव करेगा इस मुकाबले में। तो राजस्थान के लिए ओपन कर सकते हैं इवन लुईस, यशस्वी जायसवाल, नंबर 3 पे संजू सैमसन, नंबर 4 पे लियम लिविंगस्टन, नंबर 5 पे महिपाल लोमरोर, नंबर 6 पे रियान पराग, नंबर 7 पे राहुल तेवतिया, फिर क्रिस मॉरिस, चेतन साकरिया, मुस्तफिजुर रहमान और कार्तिक त्यागी। तो जरूर से राजस्थान के लिए भी काफी बड़ा मुकाबला है। आप कमेंट करके बताएं मुकाबला कौन जीतेगा, वो टीम होगी दिल्ली, वो टीम होगी राजस्थान, आप बताओ मुझे कमेंट करके। और इस मुकाबले की फैंटेसी टीम आने वाली मशीन के ऊपर। तो काफी मुश्किल है इस मैच के बारे में बात करना, मुझे पता है कि दिल्ली कैपिटल्स एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन राजस्थान मेरी फेवरेट टीम है। दिल मेरा कहता है राजस्थान, दिमाग कहता है दिल्ली। काफी बड़ा मुकाबला है, उम्मीद करते हैं काफी स्ट्रॉन्ग मुकाबला होगा इन दोनों टीमों के बीच में। आप डिसाइड करो अब किसकी तरफ जाना है। उम्मीद करता हूं वीडियो को पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद लगी तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब किया चैनल को इस तरह वीडियो देखने के लिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर, याद रखिएगा स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।